बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी के लोग करने आते हैं दंगा। ना एनआरसी, ना सीए, ना यूसीसी, एक वोट भी बीजेपी को नहीं जाना चाहिए। नो एनआरसी, नो कैट, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड, सब मानुषेर अधिकार, तार निजस्व अधिकार, निजस्व अधिकारेर मतो थाकबे। एनआईए को लेकर के ममता का बीजेपी पर हमला, कहा बंगाल में बीजेपी भेज रही है एनआईए, ब्लास्ट होते ही गिरफ्तार करने के लिए एनआईए का हो रहा है प्रयोग। एक चॉकलेट बम भी बंद फटते हैं एनआईए को भेज देता है, सबको अरेस्ट कर लो, सबको अरेस्ट करते करते तुम्हारा देश ही सुनना हो जाएगा। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का विवादित बयान, कहा जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए उसका निकलना चाहिए जनाजा। जो हिंदू को मुसलमान से लड़ाए और एक भाई को भाई से लड़ाए, आने वाले दिन उसका विसर्जन और जनाजा निकलना चाहिए। बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा टीएमसी की आमदनी का 97% इलेक्ट्रॉल बॉन्ड से हुआ, भ्रष्टाचार में लिप्त है टीएमसी की पूरी पार्टी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस नेता कमलनाथ पर हमला बोला, कहा कमलनाथ ने छिंदवाड़ा को किया अनाथ, जनता के साथ नेता भी छोड़ रहे हैं उनका साथ। यूपी में माफिया की हो रही है दुर्गति, मुजफ्फरनगर में माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने सपा पर बोला हमला, कहा पहले जिस माफिया के नाम से कर्फ्यू लगता था बीजेपी शासन में उसकी पैंट गीली हो गई। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी ने दी है चुनौती। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और झटका, विजिलेंस ने निजी सचिव विभव कुमार को हटाया, नियुक्ति को बताया अवैध और अमान्य। केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार के हटाए जाने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान, कहा विभव कुमार के हटाए जाने का कदम सराहनीय है, अब निष्पक्ष जांच हो सकेगी। दिल्ली के नंद नगरी में तेज रफ्तार कार ने एक महिला को कुचला, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना, पुलिस ने कार चालक पर केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों ने राजस्व टीम पर किया हमला, हमले में कानून को और लेखपाल घायल, पैमाइश करने गई थी राजस्व टीम। मणिपुर के अखरूल में संदिग्ध के पास से घातक हथियार बरामद, असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन चलाकर आरोपी को धर दबोचा, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बहराइच में बकाया पैसों को लेकर दो पक्षों में मारपीट, मौके पर कई लोग हुए घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, अवैध असलाह के साथ चार लोगों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध हथियार बरामद किया, आरोप है कि आरोपी अवैध हथियार बेचने के लिए ले जा रहा था। यूपी के झांसी में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। गुजरात के तापी में पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, हादसे में तीन लोगों की मौके पर मौत। यूपी के शाहजहांपुर में तेज रफ्तार मैजिक वाहन में लगी आग, बाल बाल बची ड्राइवर और यात्रियों की जान, भीषण आग में गाड़ी जलकर राख, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। फिलाडेल्फिया में ईद के मौके पर गोलीबारी, दो लोगों की को गोली मारी गई, गोलीबारी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, फिलहाल फायरिंग के कारणों का पता नहीं चल सका है। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम शहर बोर्डो में नदी के किनारे चाकूबाजी की घटना सामने आई है, हमलावर ने दो शख्सों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, मौके पर एक शख्स जख्मी। चाकूबाजी की घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फ्रांसीसी पुलिस ने हमलावर को मारी गोली, शुरुआती जांच में पुलिस को नहीं लगता कि हमला आतंकवाद से संबंधित था। अर्जेंटीना में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सेंट्रल एवेन्यू को ब्लॉक करने जा रहे प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प, प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार, पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है।
15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में 5 बच्चों की मौत की खबर सामने आ रही है और हादसे में 15 बच्चे घायल हुए हैं। कनीना कस्बे में भीषण सड़क हादसा हो जाता है जहां ओवरटेक करने के चलते ये बस अनियंत्रित होकर पलट जाती है और इस हादसे के बाद की तस्वीरें सामने आई है जहां अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि इस हादसे में 5 बच्चों की जान भी चली गई है और वही 15 बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से एक लापरवाही के चलते ये सड़क हादसा जहां इस बस में बच्चे सवार थे, स्कूल के बच्चे सवार थे और ये स्कूल की बस पलट जाने से 5 बच्चों की जिंदगी चली गई और 15 बच्चों की जिंदगी खतरे में है। और अब खबर मध्य प्रदेश से। एमपी के सीएम मोहन यादव का दावा है कि एमपी की सभी सीटें जीतेगी बीजेपी। देश में मोदी सरकार की लहर है। मोहन यादव जी कह रहे हैं विपक्षी गठबंधन को नकार दिया है, तो बड़ी बातें इस वक्त कही जा रही हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से कि जितनी भी सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी। गठबंधन को नकार दिया गया है, लोगों की ओर से कहा गया है। सुनिए। सर, पहले आप चुनाव लड़ते थे, अब आपको चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें जिताना और सबसे बड़ा टारगेट है छिंदवाड़ा, जहां पर आज आप रोड शो कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और अच्छा रुझान भी देखने को मिल रहा है। लोग आपको प्यार भी कर रहे हैं, आपका समर्थन भी कर रहे हैं, आपसे बातचीत भी करना चाह रहे हैं, आपसे हाथ भी मिलाना चाह रहे हैं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये परिवार संगठन आधारित पार्टी है, तो हमारे लिए परिवार के नाते से मैं भले ही मुख्यमंत्री बना हूँ लेकिन हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप होती है, सामूहिक हम काम करते हैं, इसलिए प्रत्येक कार्यकर्ता एक तरह से वो मुख्यमंत्री है, प्रत्येक कार्यकर्ता वो विधायक है, इसी तरह से काम कर रहे हैं वो अपने इन सारे कामों के बलबूते पर। जनता का विश्वास भी कायम रखते हैं और जनता से जुड़कर काम करते हैं, तो मेरा अकेला का काम नहीं है, ये सब जनता का काम है, जनता के भरोसे कर रहे हैं। आप सर बार बार कहते हैं कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को अनाथ कर दिया है, क्या मायने हैं इसके? मतलब वो तो पिछले 45 साल से यहाँ पर सक्रिय हैं, सांसद रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री भी यहाँ की जनता ने उन्हें बनाया। यही तो मैं कहना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने अपने यहाँ कोई लीडरशिप क्यों खड़ी नहीं करी, वो यहाँ क्यों किसी को मौका नहीं दे रहे, सांसद का, विधायक का, एक मिनट, इन सारी कारण से ही कमलनाथ जी की कमजोरियाँ हैं कि वो लीडरशिप का हम गला घोट रहे हैं। वो कह मैं तपस्या नहीं, वो समस्या पैदा कर रहे हैं, वो लीडरशिप नहीं बना रहा। जिस तरह से कांग्रेस से छोड़ के लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और सिर्फ छिंदवाड़ा की ही बात करें तो दीपक सक्सेना हो, मेयर हो, कमलेश शाह हो, तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता हो, कुछ पार्षद हो, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। क्या अब उन लोगों का जो नेता है यहाँ के स्थानीय कांग्रेस के जो नेता हैं, विधायक हो, मेयर, इन सब का कांग्रेस पर या कमलनाथ पर भरोसा नहीं रहा? देखिए, ये तो अपने आप दिख ही रहा ना सामने, जब आपकी सेना आपका साथ छोड़ेगी तो आपकी विजय कहाँ से होगी? और आपने उनके सम्मान के लिए में कोई गलती की होगी, आपका व्यवहार ऐसा रहा है, यही तो कारण है कि लोग छोड़ के जा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है कि ये अपने परिवार के आगे कुछ सोच नहीं रहे और केवल मैं 45 साल से यहाँ हूँ तो आप कैसे रूप में हो भैया? आप ये तो देखो ना, आप लगातार मंत्री, सांसद सब रहे, अभी आप जहाँ दमुआ से हम होकर के आए, 35 खदाने अगर बंद हुई तो ये लीडरशिप तो आप ही की है ना। 45 साल बाद भी तो अब आपके मैं तपस्या कर रहा हूँ, तो कौन सी तपस्या करूँ? अगर खजाने बंद हो रही तो किसके माथे, ये आप ही की तो गलती है।